हम लाते हैं टॉप न्यूज, आपके फेवरेट टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब वापस आ गए जी आज सुबह, और कल वो अदालत में पेश होंगे। उसके अलावा कहा यह जा रहा है कि मुस्लिम लीग नून वाले यानी कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब दो या तीन और सरप्राइजेज लेके आएंगे सामने। एक तो सरप्राइज ये हुआ कि मियां साहब जनाब आ गए वापस, और कहा यह जा रहा था कि मियां साहब शायद लेट आए वापस या ना आए वापस, लेकिन वो उसके बरक्स सारा काम हुआ और मियां साहब वापस आ गए। इसके अलावा सेनेट में जो बिल पास हुआ, उसमें ऐसे लगता है कि सारी पार्टीज जो मिली हुई थी कल से लेके आज तक, चाहे एमक्यूएम हो या पीटीआई हो, वो क्लैरिफिकेशंस दे रहे हैं। लेकिन उस वक्त जो बिल पास होने का वक्त था तो उस वक्त जनाब बिल पास हो गया। क्या उसकी वजूहात ये हैं कि जनाब उनका ख्याल ये था कि जनाब अगर आज मियां नवाज शरीफ साहब सदारत से बाहर होते हैं, और ये बिल पास कराना बहुत ज़रूरी है, और आज अगर मियां नवाज शरीफ साहब बाहर होते हैं तो कल बारी इमरान खान की या जरदारी साहब की भी आ सकती है, इसलिए सब पार्टियां मिल गईं। या एक और भी इसकी वजह हो सकती है कि जनाब इस वक्त बिल पास करवाएं और बाद में देखा जाएगा क्या हो, सुप्रीम कोर्ट के पास जाएं, हाई कोर्ट के पास जाएं, इसकी पिटीशन दायर करें, जो कुछ भी होगा वो बाद की बातें हैं, लेकिन उसमें फैसला भी आएगा। वो फैसला कब आएगा, 2 महीने लगेंगे, 6 महीने लगेंगे, लेकिन उस वक्त तक मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब दोबारा इलेक्शन होगा और उसके सदर बन सकते हैं मुस्लिम लीग नून के। मुस्लिम लीग नून को एक ब्रीदिंग स्पेस मिला है, मुस्लिम लीग नून को एक नई जिंदगी मिली है इस बिल से। इस पर मैं बात करना चाहूँगा अवामी मुस्लिम लीग के जनाब कर्ता धरता और चेयरमैन जनाब शेख रशीद साहब। शेख साहब कैसे हैं आप, खैरियत से? शुक्र है अल्लाह का। शेख साहब, लगता ये है कि यहाँ पे मुस्लिम लीग नून वालों को तो क्रिटिसाइज नहीं किया जा सकता, उन्होंने तो अपनी कार्रवाई करनी थी, उन्होंने अपनी कार्रवाई की, लेकिन दूसरी जो जमातें थी वो जो बिल पास करने का वक्त आया तो वो जनाब उन्होंने बिल तो पास करवा दिया सेनेट में, लेकिन आज तक 2 दिन गुजर गए, आज तक वो क्लैरिफिकेशनें दे रहे हैं, चाहे वो एमक्यूएम वाले हों, चाहे वो जो पीटीआई वाले हों, क्लैरिफिकेशनें दे रहे हैं, लेकिन जो काम होना था वो हो गया। अब उसके बाद अदालत में जाएं या ना जाएं, उससे क्या फर्क पड़ेगा? आपने पूरी बात कर ली। मैं आपसे गुजारिश करूं, मैं वो सियासी वर्कर हूं जो पहले दिन से कह रहा हूं कि नवाज शरीफ साहब आएंगे, वरना पहले दिन कल उनको 3 साल की ठुक जाती सीधी सादी, बगैर किसी वजह के 3 साल ठुकती, उनके बच्चे नहीं आ रहे, उस पर कोर्ट ने क्या फैसला करना है ये सुबह पता लगेगा आपको, और उसके बाद 87-88 के तहत उनकी जायदादें कुर्क होती। वो बिजनेसमैन है जो लूट मार की है, जो इतना बड़ा उन्होंने अपना टाइटैनिक बनाया पैसों का और एसेट का, और जो अपनी जायदादें बेच रहे हैं उसमें उनके लिए गुंजाइश ना होती, और जो आप कह रहे हैं कि सेनेट के वोट हो गया, कोई क्यामत नहीं आती। आप साथ ये भी बताएं कि आज तीन चीजें पंजाब की गवर्नमेंट को शिकस्त हुई है। नंबर 1 कि उनके जो 6 आदमियों की जिसपे राणा सलामुल्लाह बड़ा तहटा करते थे वो रिजेक्ट हो गई। दूसरी उन्होंने वो स्टे नहीं मिला। तीसरा उन्होंने कहा कि हर रोज इस पे हेयरिंग करेंगे, सवार के दिन से, सवार मंगल बुध जुमेरात हफ्ता ले लें, नवाज शरीफ साहब के लिए बुरा वक्त है। ये जितनी सियासी हमा चौकड़ी और धमा चौकड़ी मचा रहे हैं इसका अंजाम बुरा होगा। राणा साहब ये किसी गलतफहमी में मुब्तला ना रहे, इनकी जो गलतफहमी है। शेख साहब गुजारिश ये है कि देखें, ठीक है बुरा वक्त है मियां नवाज शरीफ साहब पे, मुस्लिम लीग नून पे बुरा वक्त जरूर है, लेकिन मैं कह रहा हूँ जो रियलिटी है वो सामने है। रियलिटी ये है कि सेनेट के अंदर एक बिल पास होता है, आगे मुस्लिम लीग नून टूटने को जा रही थी, उसमें हिस्सों में बंटने के लिए तैयार बैठी हुई थी कि सदारत किसको मिलेगी, अगर सदारत मिलती कुलसूम नवाज बीबी को या मरियम बीबी को तो फिर गड़बड़ थी, मुस्लिम लीग नून टूटने को तैयार थी।
और वो जनाब चौधरी शुजात भी तैयार बैठे हुए थे दरवाजे खोल के कि जनाब हमारे पास लोग आ रहे हैं, पीटीआई वाले भी दरवाजे खोल के बैठे थे हमारे पास लोग आ रहे हैं मुस्लिम लीग नून से, लेकिन वो जो टूट फूट होनी थी उससे बच गई मुस्लिम लीग नून, मैं ये गुजारिश कर रहा हूँ। और आज तक दो दिन गुजर गए हैं, क्लैरिफिकेशने दे रहे हैं बैठे हुए, सब क्लैरिफिकेशने दे रहे हैं, चाहे एमक्यूएम हो चाहे पीटीआई हो, नहीं जी हम ऐसे थे तो वैसे थे, हम इस तरफ देख रहे थे तो हम उस तरफ देख रहे थे, वोटें डाल दी, बिल पास करा दिया, आगे क्या रह गया? आपकी बात तीन दफा सुन ली है आपने, तीन दफा ये बात दोहरा ली है, कोई कयामत नहीं आ रही, सुबह ट्रायल होने दें, शुरू होने दें, अभी हुदैबिया पेपर है, पूरा टब्बर का टब्बर उसमें अगर सुप्रीम कोर्ट टाइम बार खत्म कर देता है, देखें ये एक लंबी लड़ाई है, चार से छह महीने में ये फैसला होने जा रहा है कि चोरों ने रहना है या चौकीदारों ने रहना है। मैं चार से छह महीने में इनकी सियासत का खात्मा देख रहा हूं, अगर इन्होंने ज्यादा चलाकी और ज्यादा होशियारी और ज्यादा फुर्ती दिखाई तो शायद जो कल नवाज शरीफ ने लंदन से कहा कि कुछ भी हो सकता है तो वो ठीक कह रहा है, कुछ भी हो सकता है इस मुल्क की सियासत। कुछ भी से क्या मुराद है जी, कुछ भी से क्या मुराद है, कुछ भी हो सकता है? मैंने नहीं कहा, उसने कहा कुछ भी हो सकता है, झाड़ू फिर सकता है, अगर इन्होंने अदलिया के सामने सरनुगू होने का फैसला किया तो बहुत अच्छा, इन्होंने अपने आप को पेश करने का फैसला किया तो बहुत अच्छा किया है, अगर इन्होंने जोडो कराटे का फैसला किया तो फिर बंगाल के शोले और बगदाद की रातें इनको नजर आएंगी ज्यादा से ज्यादा चार से छह महीने में। देखें शेख साहब, अगर इनको बगदाद के शोले और जो भी आप कह रहे हैं बैंकॉक की रातें अगर नज़र आएंगी, तो अगर ये नज़र आती होती तो मियाँ साहब वापस आते इसलिए आए हैं कि सिर्फ उनको कल सजा हो जानी थी, अगर वो पेश ना होते तो? बिल्कुल इसीलिए आए हैं और कोई वजह नहीं है, कल वो ना होते तो उनको तीन साल की ठुक जाती सीधी साधी और फिर उनके रेड वारंट भी जारी होते, और आज के दौर में मनी लॉन्डर के लिए और करप्शन के चार्जेस के लिए दुनिया में जमीन तंग है, ये कोई वहां कोई जमहूरियत के बचाव के लिए नहीं गए, दुनिया के किसी मुल्क ने पांच जजों के फैसले पर उंगली नहीं उठाई, दुनिया के किसी मुल्क ने जीरो और फाइव का फैसला है जिस पर तनकीद नहीं की, नवाज शरीफ साहब कर रहे हैं, ये जाहिर है एक मुल्क का प्राइम मिनिस्टर जो 15 साल के लिए एलएनजी के कोटे बना रहा था और एलएनजी के मुआहदे कर रहा था, उसके लिए तो ये चश्मे जदन में उसको कान से पकड़ के निकाल दिया गया, वो समझता था कि शायद मैं यहाँ स्टाम पते पे लिखा गया हूँ, ये एक मुर्दा कौम है और मैं मुर्दा कौमों में का एक प्राइम मिनिस्टर हूँ, ऐसा नहीं होने जा रहा जी, घबराए नहीं, ऐसा नहीं होने जा रहा, एक वोट के बर्तरी से आप समझते हैं कि नवाज शरीफ की सियासत जिंदा होगी या नहीं हुई? अच्छा चले, इंस्टीट्यूशंस में इदारों में टकराव है? बिल्कुल है, किस बिल्कुल है, अगर अदारे भी कह रहे हैं कि नहीं है, अदारे जमहूरियत के पीछे खड़े हैं बिल्कुल ठीक है, अदारा चाहते हैं जमहूरी प्रोसेस चले बिल्कुल ठीक है, अदारे चाहते हैं कानून का एहतराम हो बिल्कुल ठीक हो, अदारों की ये भी कमिटमेंट है ये मुल्क आगे बढ़े, और जो इकोनॉमी का डिजास्टर 20 से 1 महीने के अंदर अंदर आ रहा है उसको खाकान आबासी के बस का तो केस नहीं है, वो तो खुद एलएनजी में पार्टनर है, दुनिया की तबाही की जो गैस ली है उसने, उसका खुद बहुत बड़ा महर्रक है मुंबई है, और ये सारे 20-20 टाइफून इस मुल्क के, फिर इस मुल्क में ऐसा झाड़ू फिरेगा कि ये 20-25 जितने एलएनजी में मुलव्वस लोग हैं वो सारे लोग घेरे में आएंगे। शेख साहब झाड़ू फिरेगा, झाड़ू फिरेगा, क्या झाड़ू फिरेगा, क्या बात कर रहे हैं आप? मैं वही बात कर रहा हूँ जो लाइव आपको सामने कह रहा हूँ, पता है आजकल के दौर में झाड़ू फिर सकता है शेख साहब? क्यों नहीं फिर सकता जी, क्यों नहीं फिर सकता, क्या हुआ आज के दौर में, पाकिस्तान अजीज है या ये चंद गैंग ऑफ फाइव और उनके 30 किड्स अजीज है? पाकिस्तान अजीज है, जमहूरियत अजीज है, जमहूरियत आईन और कानून के दायरे में रहते हुए झाड़ू फिर सकता है? झाड़ू फिरने के थोड़े से इंडिकेशंस दे दे मुझे कि अगर क्या ना हो तो झाड़ू फिर सकता है। आप सवाल कर सकते हैं, जवाब देना मेरा हक है, जितना आपने सवाल किया मैंने आपको जवाब दे दिया, मैंने आपसे अर्ज की कि मैं जाहिलों और बेवकूफों और हवाई फायर करने वालों का लीडर नहीं हूं, मैं कह रहा हूं कि मुल्क के हालात इंतहाई कशीदा और खराब है, और आपने मुझसे पूछा क्या अदारों का टकराव है तो मैंने आपको इतनी बड़ी खबर दी, हाँ है, शुरू हो चुका है। अच्छा शेख साहब एक चीज और बताएं, डॉन लीग्स पे कुछ लोगों को बचाने की कोशिश की गई थी?
देखें डॉन लीग का तो अब छोड़ देना चाहिए, नवाज शरीफ साहब के वजरा इसहाक डार साहब कुछ नहीं, ख्वाजा आसिफ और खुद प्राइम मिनिस्टर और एहसन इकबाल जो कह रहे हैं वो डॉन लीग्स का ही एजेंडा है। और क्या है वो डॉन लीग्स है कि इस मुल्क को जनाब जबरदस्त लोगों ने दिया पेपर खोला है, क्या लोगों को समझ नहीं है? अगर आपको ये समझ नहीं आई तो झाड़ू फिरने का मतलब क्या है? लोगों को ये समझ आ कि जो इस मुल्क का वजीर दाखिला ये कहता है कि बड़े ताकतवर लोगों ने ये केस खुलवाया है, अगर ताकतवर लोग केस खुलवा सकते हैं तो फिर और भी बहुत कुछ हो सकता है। अगर वजीर दाखिला की बात सच है कि ये, क्योंकि केस अल्लाह के बाद मैंने खोला है, पहला केस भी पनामा लीक मेरा केस है 62-63 का, मेरे पास एक गोली वाला पिस्तौल है, मैंने सबके खिलाफ केस नहीं किया, सियासी पिस्तौल की बात कर रहा हूं, मैंने सिर्फ एक शख्स के खिलाफ किया और 62F में वो उस पर फैसला आया। यही बात हुदैबिया पेपर पे हुई और आज कौम इसको सुन ले कि ये 20 टाइफून जो हैं इस मुल्क के और खाकान अब्बासी साहब ये LNG से बच नहीं सकते। और मैं चैलेंज करता हूं आज आपके प्रोग्राम में, आए आपके आपके प्रोग्राम में आए और मैं साबित करूंगा कि दुनिया की सबसे महंगी LNG जो ली है इससे मुल्क की इकॉनमी को तबाह किया, और ये साबित करूंगा ये पार्टनर है। अगर ना साबित कर सका मैं इंशाल्लाह 10-15 दिन के अंदर अंदर कतर का मायदा भी निकाल लूंगा। 10-15 दिन से महरम की छुट्टियां हैं, मैं बाहर जाके मैं मायदा निकाल के लाऊंगा। मेरा नाम शेख रशीद है, अल्लाह के हुक्म से अल्लाह के फजल से नबी के सदके में मैं निकाल के लाऊंगा, कौम के सामने रखूंगा कि कतर में इन्होंने क्या गुल खिलाए हैं। स्पीकर मैंने इनसे खुद बात की, वजीर आजम से 2 दफा असेंबली में, इन्होंने कहा स्पीकर के पास है, मैंने स्पीकर को 50 रुपए दाखिल करा के अभी बैंक में नीचे बैंक में उनको कह दिया कि मेरा इंफॉर्मेशन पे हक है ये, और वो स्पीकर जो कहता है मेरे मुंह से अभी भी नवाज शरीफ वजीर आजम निकलता तो इन्ना लिल्लाह है इन्ना इलैहि राजिऊन, फिर झाड़ू नहीं फिरेगा तो क्या देख चढ़ेगी जी, क्या मिजोरों की देख चढ़ेगी? जब इस मुल्क की असेंबली का स्पीकर ये कहता है कि मेरे मुंह से यही निकलता है तो फिर वो कतर का कागज तो मुझे दे ना, आ जाएगा, घबराए नहीं आप। देखें तीसरा केस ये है, बस उसके बाद नहीं करूंगा, ये 3 केस 2 केस मैंने अल्लाह के फजल से जीते हैं, तीसरा भी जीतूंगा। शेख रशीद साहब मेरे साथ मौजूद हैं जी, और एक छोटी सी ब्रेक और उसके बाद हाजिर होते हैं आपकी खिदमत में और शेख रशीद साहब के साथ कुछ मजीद सवालात के साथ। साबित हो जाता है कि जनाब मौजूदा वजीर आजम जो है खाकान अब्बासी साहब, वो अगर उन्होंने LNG में अपनी लंबी कार्रवाई की है, लंबा हाथ मारा है, तो फिर इसका मतलब है कि फिर वो भी घर, तो फिर एक नया क्राइसिस, इसका मतलब है वो भी दाल फैन होंगे। अगर इस मुल्क का वजीर खारजा एडमिट कर रहा है कि मैंने 50,000 दरम महीने के लेता था और मैं इस मुल्क का वजीर दिफा भी था, तो इस मुल्क के एक वजीर दफा का यहाँ से भी, हम तो जब वजीर थे हमने तो कारोबारों को बंद कर दिया था, उससे पहले जो कारोबार करते थे, जो सिल्क और हल्दी का कारोबार करते थे, स्टेट बैंक्स को लिख कर दिया कि ये कंपनी क्लोज कर दिया क्योंकि मैंने हल्फ उठा लिया है। ये अच्छे वजीर हैं, दुबई से 50,000 दरम की तनख्वाहें भी लेते हैं, ये अच्छे वजीर आजम है, कहते हैं मुन्ना सा इतना सा काम है, जब वो गजों के हिसाब से और मीलों के हिसाब से निकलेगा कि 61 मिलियन कैसे ठोक गए न्यूयॉर्क हबीब बैंक को इनकी वजह से, जब वो निकलेगा कि जनाब अली ये हिल मेटल का कितना इनपुट और आउटपुट हुआ है और अजीजिया का कितना हुआ है, इनको सारे नजर आ जाएंगे। अगर कौम ने बेशर्म लोगों को और करप्ट लोगों को ही अपना समझना है कि यही सब कुछ है तो फिर कौम जाने और ये करप्ट लोग जाने, हमें जिसने अल्लाह ने रोशनी दी है और जमीर की आवाज दी है वो चोर और चौकीदार जालिम और मजलूम में फर्क करेंगे और करते रहेंगे। शेख साहब प्लेंटी लग गई अभी बैंक को, और अभी बैंक के साथ साथ एक इसी तरह का एक सिनेरियो पहले भी पेश हुआ था अभी बैंक के साथ, उस वक्त भी अभी बैंक पे एक प्लेंटी लग गई थी, ये प्लेंटियाँ क्यों लगी और किस वजह से लगी? क्योंकि वहाँ पे पैसों का कौन कारोबार कर रहा था, कौन भेज रहा था और क्या इश्यूज क्या थे, कोई है आपकी नज़र में कोई इसका जवाब? बिल्कुल, ₹1 बिलियन जो है इनका बेटा भेजता था वहां से न्यूयॉर्क से, वो नवाज शरीफ की तरफ आते थे, जाती उमरा में आते थे, ये तो इन रिटर्न आ गया हुआ है जी, आप देखें तो सही वॉल्यूम में इन रिटर्न आ गया है, अब इन केसेस में इन रिटर्न आ जाएगा, घबराए नहीं, इनके पास देने के लिए कुछ नहीं है,
इनके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, कोई एक भी डॉक्यूमेंट नहीं है इनके पास अपनी सफाई में देने का। वैसे टीवी टीवी खेलते रहे, वजीरों की 188 मेंबर हैं, 50 वजीर हैं, 50 पार्लियामानी सेक्रेटरी हैं, 35 जो हैं वो मखसूस वो हैं स्पेशल सीट जो ख्वातीन की, 6 अकलियती हैं। इसके बावजूद भी 7 दिनों में कोरम पूरा नहीं हुआ जमहूरियत पे। 1000 मरतबा ऐसी जमहूरियत पे जिसमें 50 वजीर और 50 पार्लियामानी सेक्रेटरी हों, पूरा हफ्ता कोरम पूरा नहीं हुआ। आप लगे हुए हैं जी, वोट हो गया और उसको बड़ी रिलीफ मिल गई। अच्छा, फिर अब आगे क्या करें, क्या देखें, क्या आगे सेनेट की इलेक्शन की तरफ देखें? आपको क्या मैंने सेनेट के इलेक्शन से पहले पहले ही कट्टी कट्टा निकल आएगा। आप घबराए नहीं, घबराए नहीं। इस मुल्क में चोरों ने सियासत में रहना है और इसी तरह छाना है और इस फौज की तजलील करनी है और इस अदलिया की तजलील करनी है। इस तरह ये मुल्क नहीं चल सकता। नवाज शरीफ और पाकिस्तान अब दोनों इकट्ठे नहीं चल सकते। हाँ, अगर नवाज शरीफ सरेंडर करे, कानून के आगे सरनुगो हो और कानून के फैसले को तस्लीम करें, अगर कहे कि मैं उसी पे कायम हूं जो मैंने जीटी रोड पे है, तो फिर जीटी रोड पे ही हो तुम इंशाल्लाह ताला। अच्छा, सारी जिंदगी जीटी रोड पे। मसला क्या है, मुझे एक चीज नहीं समझ आती। आपने एक दफा बोला था, आपको सब समझ आती है, आप मेरे मुंह से कहलवाना चाहते हैं। आप इतने भोले नहीं है राणा साहब, आपको सब कुछ पता है क्या हो रहा है, क्या होने जा रहा है, क्या होगा। इस मुल्क की बदनसीबी है कि सच कहने के लिए समझ लें कि शायद शेख रशीद ही मिल गया है। अच्छा, अच्छा शेख साहब एक बात बताएं, देखिए ये मुझे एक बात नहीं समझ आती। कानून कहता है, आईन कहता है कि वजीर आजम जो है वो एक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को अपॉइंट कर सकते हैं और उसी तरीके से काम हुआ। वजीर आजम जो थे मियां नवाज शरीफ, उन्होंने अपनी मर्जी से एक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ अपॉइंट कर लिया। उसके अलावा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बार बार स्टेटमेंट दे चुके हैं माशाल्लाह कि जनाब जमहूरियत के पीछे खड़े होंगे, कानून के पीछे खड़े होंगे, लेकिन फिर भी ये टकराव क्यों, मुझे नहीं समझ आता है। आप इसरार कर रहे हैं जी,